धनबाद प्रेस क्लब ने गुरुवार को पत्रकार अर्णव गोस्वामी के खिलाफ पुलिस के द्वारा की गई कार्रवाई के विरुद्ध मौन जुलूस निकालकर विरोध जताया। मौके पर प्रेस क्लब के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने बताया कि सरकार पत्रकारों की सुरक्षा और विदेशी पूर्वक कार्रवाई पर संज्ञान ले। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर देश के विभिन्न राज्यों में हो रहे हमले को रोके। पत्रकारों ने बताया कि मुंबई पुलिस द्वारा एक निजी चैनल पर भारत के पत्रकार और एडिटर इन चीफ अर्णव गोस्वामी के खिलाफ किए गए पुलिसिया कार्रवाई की तीव्र निंदा करते हैं। विरोध प्रदर्शन में प्रेस क्लब के पदाधिकारियों सहित कई पत्रकार शामिल थे। देखिए, आज पत्रकारों का एक जो घटना घटी है बॉम्बे में, जिसमें टीवी जर्नलिस्ट अर्णव गोस्वामी के साथ जो पुलिसिया बर्बरता वहाँ के सरकार के द्वारा दिखाई गई है, उसके विरोध में उसका विरोध हम यहाँ धनबाद में भी तमाम प्रेस के साथियों और साथी एक साथ कर रहे हैं। धनबाद प्रेस क्लब भी उसमें अपना मौन प्रदर्शन करके अपना इसमें सहयोग कर रही है। और हमारा ये डिमांड है कि यथाशीघ्र उनको रिहा किया जाए। वो कोई अपराधी नहीं है, कोई पेशेवर अपराधी नहीं है। उनसे अगर पूछताछ ही करनी थी तो पुलिस उनको पूछताछ करे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जिस तरह से जो विजुअल में हमने देखा है कि बाल से बाल बाल खींच कर उनको घर से घसीट करके ले जाया गया, धक्का मुक्की की गई, ये निंदनीय है। ठीक है, पुलिस अगर मान लीजिए कहीं पर कोई दोषी भी है, पर दोषी नहीं बने अगर किसी का नाम आया है तो कार्रवाई करना ठीक है, लेकिन कार्रवाई का मतलब किसी के साथ दुर्व्यवहार ना करें। पत्रकारों ने अपना काम किया और ये दुर्व्यवहार और उन पर एक्शन जो है, ये पत्रकारिता पर एक उठारा घात है। और हम चाहते हैं कि पुलिस जो वहाँ की जो सरकार है यथाशीघ्र उसको उनको रिहा करे और जो कानूनी कार्रवाई ऐसे भी जो अगर बनता है तो अपना अपने जगह पर है, उसमें कानूनी कार्रवाई पर कोई मेरा ये नहीं। लेकिन जो पुलिस उनका जो अधिकार है, एक सामान्य नागरिक का जो अधिकार है, वो अधिकार उनको मिलना चाहिए। जैसे उनको वकील से नहीं मिलने दिया गया, ये भी एक उचित बात नहीं थी। इसलिए मेरा मैंने सरकार व महाराष्ट्र की सरकार और पुलिस से डिमांड है कि भाई उनको रिहा किया जाए।